जी हाँ बहन भाइयों, फिर अगले हफ्ते की तरह इस बार फिर मैं आपके करीब आ गया हूँ अपना खुद का कार्यक्रम और साथ में आपका कार्यक्रम यानी गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहन भाइयों, हर शनिवार इतवार आप तो अपने घर में टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, जिस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं उपासना फाउंडेशन और ग्रैंड न्यूज़ के तत्वावधान में। तो हम तो वचनबद्ध है आप सभी को कि छत्तीसगढ़ के हर घर घर के कलाकार को ये मंच हम देने का आप सभी को वादा करते हैं। ठीक उसी तरह आज हमारे पास दो नन्हे से बाल कलाकार मौजूद है। हमारी बाई ओर है शुभम यादव। शुभम यादव दुर्ग शहर के सुराना कॉलेज में अध्ययनरत है, क्लास BA फाइनल ईयर में। और हमारी दाहिने तरफ जो बैठी हुई है सुरों की मलिका यानी संगीत की मलिका, ये है कृति बक्सी। अपनी 11th क्लास में पढ़ रही है, दुर्ग शहर की नन्ही सी गुड़िया अपनी आवाज़ की दुनिया में बेताज रानी बन चुकी है। तो दोनों आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम इन दोनों का परिचय आपसे मुखातिब करेंगे हर रंग बिरंगी संगीत और गीत के गुलदस्ता के साथ। लेकिन इसी बीच में मैं कहना चाहूँगा कि इस मंथ यानी फरवरी महीने में हम अपने संगीत की दुनिया में बहुत कुछ खोकर बैठे हैं जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। कितना भी बोल दूँ फिर भी कम है। तो लीजिए सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर सा कविता सुनते हैं, फिर आप सभी से बातें करेंगे। ये सुंदर सा कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये शुभम यादव की आवाज़ में और जिसे लिखे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास ने, यह है शुभम यादव। आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आज आप सभी जानते हैं कि अभी फरवरी में कुछ दिन पहले 14 फरवरी को जो है ब्लैक डे के रूप में मनाया गया था, जो हमारे जो जवान हैं जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। जैसे कि 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, उसको ब्लैक डे के उपलक्ष्य में हम मनाया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब तक सरहद पर जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तब तक हम अपने घरों पे सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह कविता उन जवानों के बलिदान के सामने कुछ भी नहीं है, आज उनको एक प्रणाम भर है। हम जानते हैं और हम यह समझ सकते हैं कि जब एक शहीद जवान जब भगवान के द्वार पर जाता होगा तो भगवान भी यह सोचकर खुश होता होगा कि आज हमारे द्वार पर हीरो आया है। तो इसके लिए मैं एक कविता आपके सामने माननीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के द्वारा जो रचित है, जो लिखित है, उसको आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उसको कि जिसके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल आई बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते हैं मांग का सिंदूर देकर जो सितारे मोल लाई है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया
है न मन उस दे हरी को, जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है न मन उसको कि जिसके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद। अति सुंदर कविता है दोस्तों। इस कविता से रुए तो खड़े हो ही जाते हैं, साथ साथ हम सभी को ये गर्व महसूस होती है कि हम इस देश की वासी है, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। इसी 14 फरवरी के बाद हम सब खो दिए लता मंगेशकर को, जो भारत रत्न थी और हमारे संगीत जगत की बहुत बड़ा प्रेरणा थी। तो अब आपके समक्ष मैं लेकर आ रहा हूँ गीतों की मल्लिका कृति बख्शी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप बोल सकते हैं या भजन भी बोल सकते हैं। ये गीत हम संगीत हम सभी ने लिया फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। दोस्तों आप सभी ने सुना कृति बख्शी की आवाज़। ये सन 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लिया गया है और इसे गाए थे भारत रत्न लता मंगेशकर साहिबा ने, जो लता मंगेशकर अब हमारे बीच में अलविदा कहकर हमेशा के लिए चली गई है। बीते दो दिन पहले यानी 15 तारीख के दिन अचानक सुबह एक आवाज़ आई कि और एक डायमंड यानी रत्न हमारे संगीत की दुनिया को छोड़कर चले गए, वो है किंग ऑफ द वेस्टर्न म्यूजिक
बप्पी लहरी। बप्पी लहरी हम सभी को छोड़कर अलविदा हो गए। संगीत की दुनिया में और एक जगह खाली हो गई उनकी आवाज़ों से। वैसे बप्पी लहरी नॉर्थ बंगाल के रहने वाले थे और उनका नाम था अलोकेश लाहिरी। उनके पिता का नाम था अप्रेस लाहिरी और उनके माता जी का नाम था बांसुरी लाहिरी। बप्पी लहरी साहब ने अपने दो बच्चे को छोड़ के गए थे। इनका नाम है, एक का नाम बप्पा लहरी और बेटी का नाम है रीना लहरी। आज हम सभी इस मन से बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा को शांति के लिए कामना करते हैं। तो लीजिए बहनों भाइयों, बातें तो आप सभी से होती रहेगी, तो इसी बीच में एक गीत और सुन लेते हैं हमारे ये नन्हा सा शुभम यादव की आवाज़ में। और गीत के बोल है, कल हो ना हो फिल्म से, जिसे पर्दे पर आए थे शाहरुख खान साहब। तो शुभम यादव जी, चलिए। बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, है पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, है पल यहाँ कल हो न हो, जो है समा कल हो न हो। बात तो सही है दोस्तों, कल हो न हो, कल को किसने देखा। आज यही सोचकर हम सब उदास हो जाते हैं कि आने वाले कल क्या होगा। खैर दोस्तों, इसी तरह हमारी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ चलती रहेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी इस मंच पर आकर अपनी कला की प्रदर्शनी कर सकते हैं। अगर आप में कोई भी कला हो, चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, या आप अच्छे सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, तो इस मंच में आप भाग ले सकते हैं। हमारा इस मंच का नाम है गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। हमारी स्क्रीन पर चल रही है ये एक छोटा सा व्हाट्सएप नंबर है 7722959906। इस व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, अपने कला का नाम, अपना घर का पता लिखकर हमें ज़रूर भेजे और इस मंच के भागीदार बने। ये छत्तीसगढ़ के 15 लाख से लेकर 21 लाख लोगों की घर में आपकी कला की चर्चा हो, ये हम चाहेंगे।
तो चलिए बातों बातों में अब थोड़ी सी हम कीर्ति बख्शी की परिचय जानते हैं। कीर्ति बख्शी कौन सी क्लास में हुआ और कौन सी स्कूल में हो? मैं क्लास 11th में हूँ और मैं विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना कि यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे इंजीनियर विश्वदीप स्कूल के प्रोडक्ट है, सही है ना? तो आप उसी स्कूल के स्टूडेंट है, तो क्लास 11th में है। तो इतनी सारी सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छी लगती है? बायो। वाह वाह, बायो साइंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें आदमी को काटा जाए, मेढक काटा जाए, छिपकली काटा जाए, है ना? तो ये काटने की जो आदत है, इससे आप संगीत की दुनिया में कैसे आ गए? मैं एक्चुअली सिंगिंग बहुत पहले से करती हूँ। बहुत पहले से, मतलब कितने साल आपकी उम्र थी? मैं तब करीब 9-10 साल की थी जब से मैं सिंगिंग। अरे वाह, 9-10 साल की उम्र से आप संगीत की दुनिया में कदम रखे हैं। तो लगभग आपकी उम्र तो अभी इतनी छोटी है, इतनी बड़ी तो नहीं हुई, तो इतनी छोटी उम्र में लगभग कितना स्टेज में आप परफॉर्मेंस किए हैं? लगभग ऐसे याद नहीं है, फिर भी एक तो अंदाज। अपना संगीत का साझा किया है और लगभग 10,000 लोगों का गाना सुनाए होंगे। तो आपने अपने लाइफ में, मतलब अभी की जो लाइफ है, इसमें सबसे सुंदर सा गाना जो आपको आता हो वो आप गाना चाहेंगे या मेरे पसंद की गाना चाहेंगे? चलिए मेरी पसंद का गाना आप सुनिए और मैं भी चाहूंगा कि आप सभी भी सुने। तो मेरा पसंद है फिल्म एक दूजे के लिए, सुनाएंगे आप? चलिए फिल्म एक दूजे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज हमारी भी छुपी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक दूजे के लिए की खूबसूरत सा गीत हमें सुनाइए और दर्शक को भी सुनाइए। प्यार तेरी पहली नजर
को सलाम सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को लिखावट के जेरो जबर को सलाम साहिल की रेत पर यो लहरा उठाए दिल सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम तुम मस्त गहरी गहरी आंखों की झील में जिसने हमें डुबोया उस भवर को सना घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सना उल्फत के दुश्मनों ने उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की फिर भी नहीं छुपी जो उस नजर को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जी हाँ बहनों भाइयों, बप्पी दा ने एक बात कही थी, आज भी मेरी जहन में है, कि संगीत के लिए आराधना की जरूरत होती है। सारे गामा पाधा निशा, ये सात सुरों का जो संगम होता है एक अच्छे गायक के कंठ में सरस्वती का निवास होता है, जिसके लिए पढ़ाई की नहीं, जिसके लिए आराधना की जरूरत है। तो आज प्रीति की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगी कि साक्षात सरस्वती माँ हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। सही में वास्तव में इस कम उम्र में इसकी कंठ में सरस्वती माँ विराजमान है, इतनी सुंदर आवाज़ है। मैं उपासना ग्रुप की ओर से और ग्रैंड टीवी की ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये छोटी सी उम्र में इनकी कामयाबी या इनकी आवाज़। तो लीजिए बहन भाइयों, अब बारी है शुभम यादव की। तो देखते हैं शुभम यादव जी कौन सा फूल का गुलदस्ता लेकर आज इस मंच पर आए हैं। तो मुझे ऐसे शुभम जी कह रहे थे कि भाई रफ़ी साहब की एक गीत हो जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। वैसे रफ़ी साहब हमारे दाता जी के बहुत ही चाहते दोस्त थे और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे रफ़ी साहब, जिन्होंने जीवन भर हम सभी को हजारों गीत सुना के गए हैं। तो उसी रफ़ी साहब की आवाज़ में एक सुंदर सा गीत लेकर शुभम यादव आ रहे हैं, फिल्म जीने की राह, जो सन 1969 की गीत है। तो आइए सुनते हैं शुभम की आवाज़ में आने से उसकी आए बाहर। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूंगा, कलियों का बचपन है फूलों की जवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें, मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थैंक यू जी बहन भाई। तो आप सभी ने सुना रफी साहब का ये खूबसूरत सा गीत शुभम यादव की आवाज में। तो दोस्तों फिर मैं कहूँगा आप भी इस मंच के भागीदार हो सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, मेरे व्हाट्सअप यानी 7722959906 इस व्हाट्सअप में अपना नाम, अपने कला का नाम और अपना पता लिखकर जरूर भेजिए। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो अगले हफ्ता ठीक इसी मंच पर हम सारे लोगों की फ़ोन कॉल से को आपको सुनाएंगे। तो तब तक हम मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर आपको एक गीत और सुना दे कीर्ति बख्शी की आवाज़ में। तो कीर्ति जी तैयार हैं जी? कौन से गीत सुनाएंगे आप लोगों को? दुनिया में लोगों को। अरे बाप रे बाप, तो दुनिया को, दुनिया में लोगों को यानी आप सभी को आशा भोसले की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत गा के सुना रही है कीर्ति बख्शी जी। गाइए कीर्ति बख्शी जी। पर 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 हीरो पर 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 हीरो 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 पर 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 तर 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 दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में यारों का दिल खो जाता है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में
प्यारों का दिल खो जाता है। दोस्तों अभी आप सभी ने सुना कीर्ति बख्शी की आवाज में आशा भोसले की ये मधुर गीत। यानी आप सभी को कीर्ति बख्शी ये साबित करना चाहती है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, कोई भी गीत या संगीत वो कर सकती है। तो इसे हम सब मिलकर उनके लिए दुआ भी करेंगे, आगे बढ़कर संगीत की दुनिया में बहुत बहुत नाम कमाए। तो लीजिए शुभम यादव की आवाज में एक और छोटा सा गीत सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुभम जी। ओ सुनिए मारसुतिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे तो क्या कर डालूं हार, मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे तो क्या कर डालूं हार, मोहे संभाल। या अंधेरा कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन, पिया निभाना साथ मेरा। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है पागल, मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का। इस मस्ती में सूझे तो क्या कर डालूं हार, मोहे संभाल। जी हाँ बहनों भाइयों, बिल्कुल सही, रफ़ी साहब की ये सुंदर सा आवाज़ जो फिल्म कारवां से हमने लिया और जिसे पेश किए शुभम यादव।
कितना प्यारा वादा। जी हाँ बहन भाइयों, मैंने तो आप सभी को वादा किया हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, सभी कलाकार को इस मंच में आना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी व्हाट्सएप में एक छोटा सा आपका नाम, आपके जगह का नाम और अपनी कला का सूचित करना है। जिस व्हाट्सएप का नंबर है 7722959906। तो दोस्तों आना है तो जाना तो पड़ेगा। तो जाते जाते हम क्यों ना कीर्ति बख्शी से एक बहुत खूबसूरत सा गाना सुन ले। बहन भाइयों, आप हमारे कर्णधार है, आप हमारे संगीत प्रेमी हैं, आप हमारे चाहने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हमारी दरख्वास्त है कि आप अपना कमेंट करें, हमें अच्छी अच्छी सुझाव दें ताकि हम अच्छा से अच्छा मनोरंजन आपको इस चैनल के माध्यम से कराएं। तो इजाजत दीजिए सुधीर कुमार को, उपासना ग्रुप को और साथ ही साथ ग्रैंड न्यूज़ को और हमारे दो नन्हे से कलाकार को जिन्होंने आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। थैंक यू। जय छत्तीसगढ़।